हेलो एवरीवन, तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले जो लास्ट दो वीडियो आए हैं उनको देख के आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोग अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपना पीरियोडिक टेबल वाला। जो जो चीज़ मिसिंग था और जो जो चीज़ हम नहीं बताएं आप लोग को, आप लोग उसको फिक्स किए होंगे और अपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से बना लिए होंगे। तो जल्दी से अपना प्रोजेक्ट को रेडी रखिए अपने CV में ऐड करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। अब चलिए थोड़ा थोड़ा और भी नया चीज़ सीखते हैं ताकि हम लोग और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकें। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट क्या होता है आप लोग बोलिएगा, तो यूनिट KG यूनिट होता है। किसके लिए यूज होता है, वेइंग के लिए। कोई भी चीज़ वेट करना होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, KG का यूज करते हैं, ग्राम्स का यूज करते हैं। और भी बहुत तरह के यूनिट्स होते हैं, जैसे लीटर्स का यूज करते हैं किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए। उसी तरह हम अपने CSS में भी कुछ यूनिट पढ़ेंगे। और कैसे कैसे यूनिट, तो हम लोग लेंथ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अब लेंथ यूनिट के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम एक कोई भी कंटेनर या कोई इमेज या कोई भी एलिमेंट जब भी अपने वेब पेज के अंदर डाल रहे हैं, तो कैसे वेब पेज पर रेंडर हो रहा है, एक बॉक्स की तरह। तो इस बॉक्स का कुछ हाइट कुछ विड्थ तो सेट करना पड़ेगा। और इसको सेट करने के लिए कौन सा यूनिट लगाएं, कौन सा परफेक्ट यूनिट है, सब कुछ जितना भी क्वेश्चन है इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, देखते हैं। CSS has several different unit for expressing length. Many CSS property take length value such as width, margin, padding, font, size, etc. अब देखिए हम लोग CSS में यूनिट क्यों यूज करते हैं, लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे CSS प्रॉपर्टी हैं जो कि लेंथ का वैल्यू लेता है, जैसे विथ एक CSS प्रॉपर्टी जो कि लेंथ लेता है, कितने लेंथ का आपको विथ चाहिए। मार्जिन CSS प्रॉपर्टी मतलब पूछता है कितने आपका कितना मार्जिन चाहिए आपके एलिमेंट के अराउंड। पैडिंग पूछता है कितना पैडिंग चाहिए आपके कंटेंट के अराउंड। तो हम लोग को सारे जो भी वैल्यू डाल रहे हैं उसका एक यूनिट स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉन्ट साइज के लिए, हाइट के लिए, सब कुछ के लिए एक यूनिट स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या सीखेंगे, यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट इन CSS। CSS में कितने तरह के यूनिट है, दो तरह के यूनिट है। अब चलिए एक एक करके दोनों यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं और है क्या। तो पहला यूनिट अपना कौन सा है, पहला यूनिट है अपना एब्सोल्यूट यूनिट। अब देखते हैं क्या करता है एब्सोल्यूट यूनिट। The absolute length unit are fixed and a length expressed in any of this will appear as exactly that size. पूरा पढ़ लेते एक बार, फिर से समझते हैं क्या है। Absolute length unit are not recommended for use on a screen because screen size varies so much. However, they can be used if the output medium is known such as for our print layout. आप देखिए absolute unit क्या होता है। ओके, एब्सोल्यूट यूनिट से आने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं, अब देखिए जब भी हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं, जो अपना वेब पेज हो रिस्पॉन्सिव हो। अब बात आती है रिस्पॉन्सिव क्या होता है भैया, तो देखिए हम लोग को क्या होता है, अगर हम एक वेब पेज बना दिए, जैसे सपोज अपना वेब www.b2c.com, और सपोज अपना वेबसाइट है b2c। अब क्या होगा, कोई बंदा अपने वेबसाइट को कहाँ खोल रहा होगा, अपने लैपटॉप में खोल रहा होगा। कोई बंदा क्या कर रहा होगा, इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में खोल रहा होगा। कोई बंदा इस वेबसाइट को अपने टैबलेट में खोल रहा होगा। कोई अपने टेलीविज़न के ऊपर खोल रहा होगा। अब देखिए तीनों का साइज कंपेयर कीजिए, एक लैपटॉप का साइज, एक टैबलेट का साइज, एक मोबाइल का साइज, तीनों का तो स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है। अब देखिए अब जब हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तीनों में थोड़ा जो भी अपना इमेज दिखेगा या अपना वेबसाइट दिखेगा अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक का साइज़ तो अलग अलग है ना। और हम डिज़ाइन कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, तो लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी अपना वेब पेज किसी भी फ़ोन या किसी और डिवाइसेस में खुले तो वहाँ पे भी अच्छे से दिखे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि हर एक डिवाइस पे अच्छे से दिखे। तो देखिए अब यहाँ पे अब बात आती है, अब हम लोग आते हैं अपने एब्सोल्यूट यूनिट पर। अब एब्सोल्यूट यूनिट क्या बोलता है, जो जब आप एब्सोल्यूट यूनिट का यूज कीजिएगा तो इसका लेंथ फिक्स्ड होता है। मतलब अगर आपके
लैपटॉप के स्क्रीन पर अगर इतना छोटा दिख रहा है, तो जब आप टेलीविज़न के बड़ा स्क्रीन पर भी इसको चलाइएगा तो सेम साइज का दिखेगा, इसमें डिफरेंट नहीं आएगा। अब देखिए अब क्या होगा, और ऐसा सोचिए, ठीक है टेलीविज़न के केस में तो छोटा चीज़ ठीक है, थोड़ा सा मतलब छोटा दिखेगा कोई इशू नहीं, बड़ा डिस्प्ले देख लेंगे। लेकिन सोचिए अगर यही चीज़ हम यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा, और छोटे डिस्प्ले पर चलते मोबाइल पे, तो क्या होगा, मोबाइल पर और ज़्यादा बड़ा दिखने लगा है, तो इससे क्या होगा, इससे लुक ख़राब हो जाएगा। मतलब समझ रहे, जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है चेंज नहीं होता है, अगर फिक्स है तो फिक्स है। जैसे कुछ कुछ एब्सोल्यूट यूनिट 2 पिक्सल, अगर हम 2 पिक्सल एब्सोल्यूट यूनिट सेट कर दें, 2 पिक्सल किसी भी चीज़ का यूनिट, जैसे लेट से H2 का हम यूनिट, H2 का हम फॉन्ट साइज सेट कर दिया 2 पिक्सल, अब क्या होगा, जो 2 पिक्सल है एक एब्सोल्यूट यूनिट है, तो जितने भी डिस्प्ले पर हम खोलें 2 पिक्सल का ही देखिएगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। उससे क्या होगा, उससे अपना वेब पेज रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एब्सोल्यूट यूनिट है, अभी देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्क्रीन, क्या क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट यूनिट को हम लोग भी स्क्रीन पर यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्क्रीन का साइज वेरी करता है, डिस्प्ले डिवाइसेस टू डिवाइसेस सबका साइज वेरी करता है, तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है आप एब्सोल्यूट यूनिट को नहीं यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट थ्रू आउट द डिवाइसेस सेम रहता है। तो होपफुली आप लोग को एब्सोल्यूट यूनिट क्लियर हो चुका होगा। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब क्या, ऐसा यूनिट जिसका लेंथ फिक्स हो, चेंज नहीं हो, ओके। अब देखिए आगे आगे देखते हैं, आगे है अपना रिलेटिव यूनिट। अब नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट नाम से ही पता चल रहा है मतलब फिक्स होगा, रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है। देखिए क्या है, रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई अ लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है, रिलेटिव लेंथ जो होता है कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, दूसरे लेंथ के रिलेटिव में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखिए, आप जैसे डिवाइस में आप स्विच कर रहे हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर का जो वेब पेज कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया गया, आप फ़ोन में स्विच कर रहे हैं, अब फ़ोन में एक सेटिंग होता है, क्या सेटिंग होता है, आप अपने फॉन्ट साइज को मतलब बदल सकते हैं, आप फॉन्ट साइज जो चाहें लार्ज मीडियम रख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही लार्ज मीडियम सेट कर दिए, सपोज लार्ज सेट कर दिए फॉन्ट साइज इस फ़ोन में, अब क्या होगा, अपना जो वेब पेज रेंडर होगा इस सारे फॉन्ट का साइज बदल जाएगा लार्ज में, तो इसके कारण क्या होगा, और दूसरा जो होगा फॉन्ट का साइज उसको भी चेंज होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या, जैसे देखिए अगर H2 का साइज सपोज चेंज हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, पहले है 2 पिक्सल और लार्ज साइज होने के कारण इसका साइज हो जा रहा है 10 पिक्सल। अब सपोज सोचिए हम एक और है कोई, जैसे सपोज पैराग्राफ है, पैराग्राफ का हाइट मतलब जो फॉन्ट साइज है 2 पिक्सल ही है, और लेंथ चेंज होने के कारण चेंज इस पर एब्रप्ट चेंज आता है, इसके रिलेटिव में चेंज नहीं आ रहा है, एब्रप्ट सा चेंज आता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो भी अपना हम यूज करें, जो भी फॉन्ट्स यूज करें या जो भी साइज यूज करें, अपने पेरेंट्स या किसी और फॉन्ट के रिलेटिव में हो, या जैसे उसके कारण अगर H2 का फॉन्ट चेंज हुआ साइज, तो H2 के रिस्पेक्ट में P का भी साइज चेंज हो जाए। अभी आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ही एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, सब अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आप ओवरव्यू लीजिए, चलिए देखते हैं। रिलेटिव लेंथ यूनिट स्केल बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम, क्या मतलब, रिलेटिव लेंथ जो होता है जब भी दूसरे एक मीडियम से दूसरे डिवाइसेस पर रेंडर हो रहा है तो अच्छे से रेंडर होता है। जैसे देखिए अच्छे से स्केल होता है, अच्छे से मतलब उसका साइज बढ़ता है कम होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ओके आगे है अपना एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में। अब देखिए बहुत तरह के एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, पहला सेंटीमीटर, हम लोग को तो सेंटीमीटर के बारे में अच्छे से क्लियर है, बचपन से पढ़ते हैं सेंटीमीटर। दूसरा अपना क्या है, मिलीमीटर, आप अपने CSS में सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं, दोनों के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं। दूसरा और भी यूनिट यूज कर सकते हैं जो कि एब्सोल्यूट यूनिट है, सेंटीमीटर क्या होता है, एब्सोल्यूट यूनिट होता है, अगर 10 सेंटीमीटर मतलब हर एक डिवाइस पर 10 सेंटीमीटर है। दूसरा अपना एब्सोल्यूट यूनिट है इंचेस, इंचेस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तीसरा यूनिट है पिक्सल, जो कि हम लोग ज़्यादातर पिक्सल यूज करते हैं, PT और PC रेयरली हम लोग यूज करते हैं, तो उतना इसके बारे में हम लोग जानते नहीं। अब पिक्सल्स के बारे में क्या होता है, जो पिक्सल्स होता है एक पिक्सल कितने के बराबर होता है,
1/96 of an inch, मतलब एक पिक्सल क्या होता है, 1/96 इंच के बराबर एक पिक्सल होता है। यहाँ पे कहना चाह रहा, पिक्सल भी आप लोगों को पता चल गया एब्सोल्यूट यूनिट है, पिक्सल हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। और देखिए यूनिट्स जो भी है, यूनिट्स का टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को हम फिर भी बता दे रहे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट हमको लग रहा है उसको आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे जैसे आगे कोड करेंगे, हम लोग अपने आप से क्लियर होते चलेंगे, अच्छा इस यूनिट यूज करने से ऐसा होता है, इस यूनिट को यूज करने से ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, आप रिलेटिव यूनिट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका कुछ कुछ जो सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया है रिलेटिव यूनिट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब अपना वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं ऐसा ही रिलेटिव यूनिट्स यूज करेंगे। तो अपना पहला जो सबसे यूज होता है रिलेटिव यूनिट कौन सा है, एम। दूसरा सबसे यूज होने वाला रिलेटिव यूनिट है अपना रेम। तीसरा VW, जिसको व्यूपोर्ट विथ भी बोलते हैं। अपना चौथा है व्यूपोर्ट हाइट, जिसको VH भी बोलते हैं। और अपना पांचवा है परसेंटेज। अब देखिए बहुत बार VMIN और VMAX को भी यूज करते हैं, लेकिन VMIN और VMAX किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉलर डायमेंशन के लिए यूज करते हैं, तो उतना इसको ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए अपना जो भी इम्पॉर्टेंट है रिलेटिव यूनिट उसके बारे में जानते हैं। तो अपना पहला रिलेटिव यूनिट कौन सा है, एम। अब चलिए पढ़ते हैं थोड़ा एम के बारे में, और फिर हम लोग VS कोड में एम को अच्छे से समझ लेंगे। रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, 2M मीन्स 2 times द साइज ऑफ करेंट फॉन्ट। अब क्या बोल रहा है, 2M मतलब क्या होता है, जो अभी करेंट फॉन्ट का साइज है उसके 2 times इसका साइज चेंज कर दीजिए, या फॉन्ट का नहीं या किसी भी चीज़ का साइज अगर इतना है तो उसको 2 times कर दीजिए। तो M के बारे में चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं M क्या होता है, और थोड़ा VS कोड में अगर हम लोग कोड करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, सही है ना। चलिए VS कोड अपना खोलते हैं, कहाँ अपना VS कोड, और हम लोग लास्ट में अभी तक लेक्चर 15 तक कर लिए हैं, तो चलिए एक नया फाइल बनाते हैं lecture16.html के नाम से। फाइल बनाना सबको आता है, बॉयलर प्लेट लगा लिए। इसका टाइटल चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, यूनिट इन CSS। इतना तो सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक कंटेनर बनाते हैं, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्या क्लास का नाम रख देते हैं, कंटेनर। तो डॉट कंटेनर जैसे ही लिखे, देखिए एक डिप बन के आ गया, जिसका क्लास सेट हो गया क्या, कंटेनर। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर बहुत सारा हेडिंग लगाते हैं, पैराग्राफ लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग लगाएं, और हम क्या चाहते हैं, कुछ 5 words का हम लोग को कुछ कंटेंट मिल जाए। तो heading 1 में lorem5 यूज करके हम 5 words का कंटेंट ले आए। अब देखिए h2 में भी हम कुछ कंटेंट्स ले आते हैं, जैसे lorem6 कर देते हैं या 7 कर देते हैं, चलिए lorem6 कर दिए। अब देखिए इसके ऊपर कुछ कुछ हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं अभी बताते हैं। एक आईडी देते हैं इसको फर्स्ट हेडिंग के नाम से, नीचे वाले को भी चलिए आईडी दे देते हैं सेकंड हेडिंग के नाम से, ओके आईडी दे दिए, इतना हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से स्टाइल टैग लगाते हैं, और स्टाइल टैग में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग गो लाइव करके इसको रेंडर करके देख लेते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। ओके इतना आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए नीचे हॉरिजेंटल बार आ रहा है, इसको हटा लिए हैं ऑल्ट जेड करके। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है दोनों, जो H1 का हेडिंग है हम लोग को दिख रहा है अच्छे से, H2 का हेडिंग है हम लोग को अच्छे से दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो अपना फर्स्ट हेडिंग है, जो अपना सॉरी यहाँ पे लगाते हैं हैज क्यों लगाएं, क्योंकि ID को हम ऑल्टर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे फर्स्ट हेडिंग, अब क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट हेडिंग का फॉन्ट साइज है इसको हम लोग करते हैं 2rem, कुछ चेंजेस नहीं आया, सॉरी 2m, rem नहीं 2m करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं आया। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 20m करते हैं, 20m पर कुछ चेंजेस दिख रहा है, 10m करते हैं, 10m पर भी ज़्यादा हो जा रहा है, 5m करके देखते हैं। ओके 5m की है, मतलब इसका क्या मतलब, जैसे ही इसका हम सेट किए फॉन्ट साइज 5m, मतलब पहले जो फॉन्ट साइज था उसके 5 times। आप लोग बोलिए नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हमको दिखाइए
देखो अभी दिखाते हैं, इसको करते हैं हम लोग कमेंट आउट। कमेंट आउट किया, बढ़िया। अब इसका हम लोग हाइट चेक करते हैं। अभी फिलहाल फॉन्ट साइज क्या है, तो अपना हेडिंग वन का फॉन्ट साइज देखना है। तो देखिए आप लोग जाइए, जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट पर जाइएगा, आपको स्टाइल में यहाँ पे बॉक्स मॉडल दिख रहा है, स्टाइल के बगल में एक और टैग है कंप्यूटेड। अब जैसे ही कंप्यूटेड पर जाइएगा, यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज दिख रहा है 32 पिक्सल, दिख रहा है। मतलब डिफॉल्ट इसका हेडिंग वन का क्या फॉन्ट साइज है, 32 पिक्सल। अब देखिए, अब जैसे ही इसको कमेंट आउट करते हैं, देखिए कमेंट आउट किए, अब देखिए फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हो गया। क्या हुआ, जो अपना 32 पिक्सल था इंटू 5 हो गया, मतलब सॉरी 5 नहीं हो गया, हाँ मतलब अगर दो सेट करते हैं तो 32 into 2 मतलब 64 होना चाहिए। ओके, दो सेट किए मतलब डिफॉल्ट साइज है, दिख रहा है आप लोग को, दो सेट किए मतलब फॉन्ट साइज डिफॉल्ट है, तीन सेट किए तो 3 गुना होना चाहिए, देखिए 32 into 3 हो गया। ऐसे 16 के जैसे 16 के मल्टीपल्स में चल रहा है, देखें जैसे 3M किए 48 हो गया, 4M करेंगे तो 16 into 4 हो गया 64। तो देख रहे हैं आपको दो के मल्टीपल्स में, 16 के मल्टीपल में साइज चेंज हो रहा है। अगर इसका जैसे S2 का है ओरिजिनल क्या साइज है, 32 पिक्सल, तो इसके हिसाब से चेंज हुआ। H1 का साइज 32 पिक्सल है, इसके हिसाब से चेंज हुआ। हो सकता है अपना H2 का कुछ और साइज हो और M वैल्यू सेट करे तो उसके हिसाब से चेंज हो। एक और चीज़ बताते हैं, जो M वैल्यू है, जो हम M यूज करते हैं, जो M वैल्यू है अपने पेरेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बोलिएगा भैया पेरेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा बताइए। अभी देखिए जैसे हम 2M सेट किए, अपना 32 पिक्सल दिख रहा है, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, जो अपना कंटेनर वाला जो है कंटेनर है उसका हम लोग फॉन्ट साइज ऑल्टर करते हैं। हम क्या बोलते हैं, जो कंटेनर जितने भी एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज आप कीजिए 20 पिक्सल। अब देखिए जैसे ही 20 पिक्सल कंटेनर का फॉन्ट साइज हम सेट किए, देखिए क्या हुआ, देखिए 20 into 2M कितना होता है 40। यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गया। 2M को करते 3M करते हैं, ये जैसे ही 3M किए आपको दिख रहा है 60 पिक्सल हो गया। मतलब इससे हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, तो इससे हम लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहला अपना कुछ कंटेनर का साइज था, सपोज जो पहले अपना कंटेनर का साइज था 16 पिक्सल था। अब जैसे ही यहाँ पर दो रैम सेट किए, क्या हुआ, जो अपना फॉन्ट साइज, जैसे पहले अपना कंटेनर का फॉन्ट साइज कुछ है, अपना कंटेनर का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, मतलब जो अपना हेडिंग वन है इसके रिस्पेक्ट में रेंडर हो रहा है अपने डिस्प्ले पर, ठीक है। अब हम क्या बोले, जो अपना फॉन्ट साइज है इसको आप 2M कीजिए, तो क्या हुआ 16 into 2 हो के 2M फॉन्ट साइज हो गया, क्लियर है इतना। अब जैसे देखिए, अब हम क्या किए, एक्सप्लिसिटली अपने कंटेनर का साइज 20 पिक्सल सेट कर दिए। अब क्या हुआ, जैसे ही 20 पिक्सल सेट किए और यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ओके, जैसे ही हम एक्सप्लिसिटली 20 पिक्सल फॉन्ट साइज सेट किए अपने कंटेनर का, और जैसे ही फर्स्ट हेडिंग का साइज 3M किए, क्या हुआ, इस 20 पिक्सल into 3, क्या हुआ 20 पिक्सल into 3 होके 60 पिक्सल का अपना जो टेक्स्ट था, जो अपना हेडिंग वन था, इसका फॉन्ट साइज हो गया। तो आप लोग को इम्पोर्टेंस दिख रहा है ना, कितना इम्पोर्टेंस रिलेटिव यूनिट होता है। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हम दूसरे डिस्प्ले पर जाएं, अपना कंटेनर का साइज चेंज होगा। अब जैसे ही कंटेनर का साइज चेंज होगा, कंटेनर के साइज के रिस्पेक्ट में अपना फॉन्ट साइज दिखने लगेगा, बढ़िया। अभी हम लोग एक्सप्लिसिटली सेट कर रहे हैं, ऐसे डिफॉल्ट में कंटेनर का साइज हम लोग देखे थे 16px था, तो 16px के रिस्पेक्ट में इसका साइज रेंडर हो रहा था, या 32px था, इसके रिस्पेक्ट में साइज रेंडर हो रहा था। अब जैसे ही डिस्प्ले का साइज बढ़ेगा, अपना कंटेनर का डिफॉल्ट साइज चेंज होगा और उसके रिस्पेक्ट में अपना फॉन्ट का साइज बदल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दूसरा एक और यूनिट है जिसका नाम है क्या, रैम। एक M और दूसरा क्या, दूसरा रैम। तो चलिए एक बार हम लोग अपने चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, आगे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखते हैं, देखिए X और CA जो वैल्यू है सब रेयरली यूज करते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
रिम पर चलते हैं। अब रिम क्या है? रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। क्या बोलता है? जो आप रिम जब आप यूज कीजिएगा, इस किसके रिलेटिव में रेंडर होगा? अपने रूट एलिमेंट के रिलेटिव में रेंडर होगा। अब आप बोलिएगा भैया रूट एलिमेंट क्या होता है, समझ में नहीं आया, तो अभी बताते हैं आप लोग को रूट एलिमेंट क्या होता है और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में, आएंगे अपने VS कोड में। अब देखिए अभी अपने फॉन्ट का साइज 3M है, इसको करते हैं 3 रेम। अपने क्रोम ब्राउजर को ले आते हैं, ओके। अब देखिए जैसे 3M कर दें इसका साइज, या 30M कर दें, ज़्यादा चेंज हो गया, ओके 3M कर दिए। इसका रैम क्या है, इस बार वैल्यू देखिए 3 रैम है। अब देखिए इसका कंटेनर का साइज चेंज करते हैं 200 पिक्सल। क्या चेंजेस आया? क्या रैम तो उतना ही है, मतलब फर्स्ट हेडिंग का साइज तो अभी भी उतना ही है। हाँ, नीचे वाला साइज चेंज होगा। नीचे वाला साइज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक्सप्लिसिटली इसका साइज हम लोग सेट नहीं किए हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे कंटेनर का साइज बदलेगा वैसे ही इसका साइज बदलेगा। लेकिन आप देखिए फर्स्ट हेडिंग का साइज 3 रैम किए हैं और कंटेनर का अपना साइज बदल रहे हैं। कंटेनर का साइज बदल रहे हैं तो क्या होना चाहिए रैम में? रैम एम में क्या होता है, एम में 3x200 हो के इसका साइज रेंडर हो जाता है फर्स्ट वाला हेडिंग का। लेकिन ऐसा तो इस केस में नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो अपना रैम वैल्यू है अपने रूट एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर रूट एलिमेंट कौन सा होता है तो अभी दिखाते हैं। तो अपना HTML जो होता है ना, HTML टैग ये अपना रूट एलिमेंट होता है। जैसे HTML हम लिखे और देखिए HTML का हम फॉन्ट साइज को हम बदलते हैं। HTML का हम फॉन्ट साइज क्या करते हैं, 20 पिक्सल करते हैं। अब देखिए जैसे HTML का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल किए, आपको देखा अपने टेक्स्ट का साइज बदल गया। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, अच्छा दिखेगा, ओके। अब देखिए जैसे जैसे जो अपना HTML टैग है उसका साइज बदलेंगे, अपने टेक्स्ट का साइज बदल रहा है। तो आपको होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा रैम और एम के बीच में। एम में क्या होता है, एम में जो अपने पेरेंट कंटेनर है उसके हिसाब से उसके रिलेटिव साइज चेंज होता है, और रैम में क्या होता है जो रूट एलिमेंट है जो कि अपना HTML है इसके हिसाब से चेंज होता है। सही है, इतना बात आप लोगों को क्लियर। अब चलिए देखते हैं दूसरा और कौन सा इंपॉर्टेंट था अपना यूनिट। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट यूनिट था कौन सा, कहाँ गया, VW। अब VW को देखते हैं क्या होता है। अब क्या बोलता है, रिलेटिव टू 1% ऑफ द विथ ऑफ द व्यू पोर्ट। अब भैया ये क्या है VW, ये एम समझ गए, रैम समझ गए, अब बात आती है VW का, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं VW में हम क्या करते हैं। आए अपने VS कोड में, हम ले आए अपने क्रोम ब्राउजर को। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिव को हम एक, ओके डिव को नहीं, जो अपना कंटेनर है इसको कुछ बॉर्डर देते हैं। जैसे चलिए अभी फॉन्ट साइज हटा देते हैं कंटेनर का, कंटेनर को कुछ हाइट और कुछ विड्थ देते हैं। पहले तो बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर कितना, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ओके। अब देखिए अपना जो कंटेनर है इसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड का बॉर्डर मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं, जो अपना बॉर्डर है इसका हाइट कितना हो, पूरा जितना हम लोग दिख रहा है नीचे तक हाइट हो। तो चलिए इसका हाइट सेट करते हैं। तो इसका हाइट हम लोग सेट करते हैं कितना, पहले 20 पिक्सल देखते हैं। अरे 20 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया, 200 पिक्सल देखते हैं, ओके 200 से थोड़ा ज़्यादा करते, 2000 पिक्सल कर देते। अरे देखिए 2000 पिक्सल करने से तो बहुत बड़ा हो गया, ओके 2000 पिक्सल नहीं 1500 पिक्सल करके देखते हैं, क्या सही है क्या 1500 पिक्सल पर भी अभी भी स्क्रॉल बार आना नहीं, 1500 पिक्सल भी सही नहीं है, 1200 पिक्सल करते हैं, अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है, 1000 पिक्सल करते हैं, ओके 1000 पिक्सल में भी अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है। अब आप सोचिए आपको कभी ऐसा हाइट सेट करना होगा जो आपको दिख रहा है इसका इसके बराबर हाइट हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा बार बार चेंज करते रहिएगा। हाइट को 100 पिक्सल करके देख लेते हैं, 100 पिक्सल करते हैं, 200 पिक्सल करते हैं, 500 पिक्सल करते हैं, तो ऐसे तो कन्वीनियंट है नहीं, इतना इतना चेंज करके देखते हैं। और पिक्सल के साथ क्या प्रॉब्लम है, दूसरे डिस्प्ले पर रेंडर होगा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग कौन सा इंट्रोड्यूस किए, VH को इंट्रोड्यूस किए। VH मतलब क्या, व्यू पोर्ट का हाइट।
आप बोलिएगा भैया व्यू पोर्ट क्या होता है, अच्छे से सॉरी स्पेलिंग अच्छा नहीं, ओके व्यू पोर्ट का हाइट वी एच से हम लोग क्या सेट करते हैं, व्यू पोर्ट का हाइट। आप बोलिएगा भैया व्यू पोर्ट क्या होता है, तो देखो बाबू व्यू पोर्ट मतलब जो एरिया वेब पेज का आपको दिख रहा है उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट। जो यहाँ पे आपको अभी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है इस एरिया को हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। जो भी एरिया आपको दिखे वेब पेज का उसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग बड़ा कर दें तो अभी अपना व्यू पोर्ट कहाँ, यहाँ से लेके और नीचे यहाँ तक इस पूरे एरिया को हम लोग व्यू पोर्ट बोलेंगे। जो अभी दिख रहा है आपको डिस्प्ले में बस इसी एरिया को व्यू पोर्ट बोलेंगे। अब चलिए आप देखते हैं वी एच लगा के, अब व्यू पोर्ट कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो अगर हम लोग 100 व्यू हाइट लिखते हैं, मतलब क्या 100% ऑफ व्यू पोर्ट, तो आपको दिख रहा है पूरा 100% जितना विजिबल डिस्प्ले है इतना ही में बॉर्डर आया है। अभी आप बोलिएगा नहीं भैया बॉर्डर थोड़ा सा तो स्क्रोल मार दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है, जैसे हम लोग यूनिवर्सल पैडिंग को जीरो करेंगे और मार्जिन को जीरो करेंगे और बॉर्डर बॉक्स को बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स रखेंगे तो पूरा दिखने लगेगा। आपको दिख रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं 100 व्यू एच मतलब क्या 100% ऑफ व्यू हाइट, जितना व्यू पोर्ट का हाइट है उसका 100% हमको हाइट चाहिए भाई। अगर 10 करते हैं तो 10% ऑफ व्यू पोर्ट, जितना जो हमको व्यू पोर्ट दिख रहा है अपने नज़र से अपने आँख के सामने जितना दिख रहा है उसका 10% हाइट गेन हो जाएगा। ऐसे ही इसके ही रिस्पेक्ट में एक और हाइट होता है, एक और लेंथ होता है क्या VW। VW मतलब क्या व्यू पोर्ट विथ, जैसे व्यू विथ को सेट किया 100 VW। अब देखिए जो 100 VW है इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर सेट हो गया, आप लोगों को दिख रहा है। अगर इस 100 VW को अगर हम लोग हटा के 90 VW करते हैं इससे क्या होगा, 90% जो व्यू पोर्ट है उसका विथ आ गया है, 90% विथ आ गया है अपने जो जिसका भी विथ सेट करें जो भी एलिमेंट का उसका 90% आ गया। तो आप लोग को व्यू VH और VW के बारे में क्लियर हो गया होगा। VH सेट करते हैं व्यू पोर्ट का हाइट सेट करने के लिए, VW सेट करते हैं व्यू पोर्ट का विथ सेट करने के लिए। व्यू पोर्ट आप लोग को क्लियर हो गया, व्यू पोर्ट क्या होता है जो भी एरिया हमको अपने आँख से दिख रहा है वेब पेज का अभी करेंट सिचुएशन में उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब देखिए जब भी हम लोग व्यू पोर्ट सेट करेंगे क्या होगा, हमारा जो अगर व्यू पोर्ट हम 100% सेट कर देते हैं तो 100% मोबाइल के लिए भी जो 100% डिस्प्ले दिख रहा है वही मोबाइल के लिए भी 100% जो मोबाइल का 100% है उसके हिसाब से चेंज होगा। यही टेलीविज़न पर रेंडर होता है तो टेलीविज़न का जो व्यू पोर्ट है जो भी दिख रहा है नज़र के सामने वही बन जाएगा अपना 100%। आप लोग थोड़ा सोचिए इसके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, और जैसे इस पर हैंड्स ऑन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर अपने आप होते चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए अपना जो भी था इम्पॉर्टेंट एम के बारे में जान गए, रेम के बारे में जान गए, VW के बारे में जान गए, VH के बारे में जान गए। देखिए व्यू पोर्ट क्या होता है, द ब्राउजर विंडो साइज, जो भी ब्राउजर का विंडो साइज है उसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये व्यू पोर्ट इज 15 cm अगर देखिए, और ब्राउजर का जो भी अपने लैपटॉप का डिस्प्ले का साइज अगर 50 cm है तो एक VW कितना होगा 0.5 cm के बराबर होगा एक VW। इतना बात क्लियर है आप लोग को, ओके VW हो गया। तो चलिए अपना परसेंटेज देख लेते हैं। अब परसेंटेज हम लोग पहले भी यूज किए हैं, कहाँ पे यूज किए हैं परसेंटेज जल्दी से बताओ। परसेंटेज अभी हम लोग रिसेंटली यूज किए थे अपने पीरियोडिक टेबल वाले में, वहाँ पे जो टेबल का हाइट और विथ सेट कर रहे थे किस में सेट कर रहे थे, परसेंटेज में। और परसेंटेज भी याद रखिए कौन सा यूनिट है, एक रिलेटिव यूनिट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना कंटेनर है इसके रिस्पेक्ट में अपना फर्स्ट हेडिंग का कुछ परसेंटेज वैल्यू देके हम इसका हाइट विथ को चेंज करते हैं, देखते हैं क्या परसेंटेज इसके रिलेटिव में अपने पेरेंट के रिलेटिव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या है, अभी अपना कंटेनर का हाइट 100 VH सेट है और विथ 90 VW सेट है। अब हम क्या करते हैं, अपना जो फर्स्ट हेडिंग है जो यहाँ पर आपको कंटेंट दिख रहा है लॉरम इप्सम डॉलर जो यहाँ से यहाँ तक कंटेंट दिख रहा है इसको एक बॉर्डर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाते हैं, 2 pixel सॉलिड ब्लैक का एक बॉर्डर दे दिए। अब देखिए हमारे कंटेंट के अराउंड बॉर्डर दिखने लगा। अब हम क्या बोलते हैं, जो अपना फर्स्ट हेडिंग है इसका कुछ हाइट और विथ सेट करते हैं किस यूनिट से, परसेंटेज यूनिट से। जैसे देखिए
100% हम इसका हाइट सेट किए, ओके। तो इसका हम विड्थ सेट किए 100%। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही विड्थ 100% सेट किए, जो अपना बाहर वाला कंटेनर है, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अपना बाहर वाला ऊपर वाला कंटेनर, रेड बॉक्स को देखिए और ब्लैक बॉक्स को देखिए, देख रहे हैं दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन हाइट के साथ ऐसा नहीं हो रहा, हाइट के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो अपना लॉरम इप्सम वाला कंटेंट है ऊपर से कुछ स्पेस लिया हुआ है, इसीलिए जो अपना ब्लैक बॉक्स है थोड़ा जो हाइट वाले बॉक्स है उससे नीचे आ रहा है। इतना क्लियर? आप बोलिएगा भैया नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आपको कुछ चेंजेस करके दिखाते हैं। जैसे जो अपना कंटेनर है इसका जो व्यू विड्थ है इसको 50% चेंज किए। अब देखिए लॉरम इप्सम वाले का भी विड्थ आपको देखा 50% हो गया। 50% क्यों हुआ, जैसे 50 व्यू हाइट के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो भी है 100% हो अपने पैरेंट कंटेनर का। तो यहाँ पे देखिए अपने हेडिंग का पैरेंट कंटेनर कौन है, जो हेडिंग का पैरेंट कंटेनर है डिव है। तो जो कंटेनर डॉट कंटेनर वाला क्लास है इसका अगर हम विथ 50 VW करते हैं तो 50 VW का 100% लेगा कौन, फर्स्ट हेडिंग, तो ऑब्वियसली 100% ले रहा है। अगर इसी को हम कुछ और कर देते हैं, अगर हम इसको 90% करते हैं तो 90% लेगा। अगर इसको हम करते हैं 100 VW तो देखिए 100 VW का 90% ले रहा है। अगर हम इसको करते हैं 80 VW तो 80 VW का 90% ले रहा है। वैसे ही सेम केस है हाइट के साथ, अगर हम हाइट को बोल देते हैं जो अवेलेबल हाइट है उसका आप 90% लो, तो अवेलेबल हाइट 100 VH है तो इसका 90% लिया। तो अब आपको दिख रहा होगा जो अपना फर्स्ट हेडिंग वाला बॉक्स है अपने कंटेनर बॉक्स के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बोले जो भी अपना कंटेनर का हाइट है उसका 90% हाइट ही ले कौन, अपना फर्स्ट हेडिंग वाला एलिमेंट। और क्या बोले, जो भी अपना कंटेनर का विड्थ हो, जैसे यहाँ पे 80 VW है, इसका 90% अपना फर्स्ट हेडिंग का विड्थ ले, इसका 90% ले रहा है। तो होपफुली आप लोग को एक एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो भी आप लोग को सिखाएं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एम के बारे में देख लिए, रेम VW VH और परसेंटेज, इतना जो इम्पॉर्टेंट यूनिट था आपको अच्छे से समझा दिए। और अभी बहुत कोई को हो सकता है यूनिट समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए चिंता नहीं है, आप लोग एक बार जाके ट्राई कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप यूनिट सारा क्लियर होते चलेगा। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ें। अपकमिंग वीडियोज में हम लोग क्या देखेंगे, अपकमिंग वीडियोज में हम लोग ग्रेडियंट्स के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे ग्रेडियंट अप्लाई करके देखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट। तो आप लोग अपकमिंग वीडियोज के लिए एक्साइटेड हो जाइए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। We'll be right back.